शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में मेट्रो रेल किसी वरदान से कम नहीं है। बसों की भीड़ में धक्का मुक्की खाते हुए धूल और धूप से बेहाल होकर काम करके घर लौटने वाले शहरी लोगों को इसने बड़ी राहत दी है। भारत के हर बड़े शहर में इस सुविधा की शुरुआत हो चुकी है और अब अपने पटना में भी लोग मेट्रो से चलेंगे। सपना हकीकत में बदलने के लिए शुरुआती काम शुरू हो चुके हैं। बिहार सरकार ने पटना में मेट्रो दौड़ाने का जो लक्ष्य दिया है वो 2024 का है। ऐसे में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने काम शुरू कर दिया है। 3 महीने में मिट्टी की जांच का काम पूरा कर लिया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कंकड़बाग में मलाही पकड़ी जाने वाले रास्ते में सड़क पर बोर्ड लगाकर काम तेज कर दिया गया है। वहीं पटना मेट्रो को जल्दी पूरा करने के लिए डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने केंद्रीय आवास मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी दिल्ली में मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद जापान की कंपनी जाइका से सस्ती दर पर मिलने वाले 5,400 करोड़ रुपए के लोन को जल्द देने का आश्वासन केंद्रीय मंत्री ने दिया है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों 13,365 करोड़ लागत वाली पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। इसके लिए जापान की जायका से 5,400 करोड़ का सस्ता ब्याज दर पर कर्ज लिया जाना है। केंद्र सरकार 2,000 करोड़ और बिहार सरकार अपनी हिस्सेदारी का 5,390 करोड़ खर्च करेगी। 2 चरणों में पूर्वी पश्चिमी और उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर का निर्माण होना है।